अचानक एक पार्षद की नजर ध्रुव की आंखों पर गई तो आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। ध्रुव ने कहा, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। जिस माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया है, ऐसा ना हो कि मेरी माँ की दुर्गति हो जाए और मैं जाऊं वैकुंठ, मेरी माँ पड़ी रहे नरक में। पार्षदों ने मुस्कुरा के कहा, ध्रुव तुम कैसी बातें करते हो? अरे जिस माँ के गर्भ से आप जैसा बालक पैदा हुआ है ध्रुव, वो माँ नरक में क्यों जाएगी? अरे उस माँ को तो आपसे पहले स्वर्ग मिलेगा, उस माँ को तो आपसे पहले वैकुंठ मिलेगा, क्योंकि जिस माँ की कोख ने तुम्हारे जैसे भक्त बालक को जन्म दिया हो, उस माँ की तो कोख उसी दिन धन्य हो गई, इसलिए पहले आपकी माँ वैकुंठ जाएगी, बाद में आप जाएंगे। माता जने तो भक्त जन याद आता या सूर कायर ते बांझई भली काहे कुगवा नूर। अब एक भक्त एक परिवार में पैदा हो जाए तो उस परिवार की 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। अगर विपरीत में एक दुष्ट एक परिवार में पैदा हो जाए तो उस परिवार की 21 पीढ़ियां नरक में डूब जाया करती हैं। वास्तव में पुत्रवती स्त्री वही है जिसकी संतान भगवान की भक्त हो। अब आप ये न समझें कि महाराज जी अपने हिसाब से समझा रहे हैं, शास्त्र में लिखा है। संसार का जो नेत्र है वो शास्त्र है, और जिसके पास ये शास्त्र रूपी नेत्र न हो वो आंखें होते हुए भी अंधा है। देखिए, अगर सवाल पेट भरने का है तो पेट तो सुअर और कुत्ते के बच्चे भी भरते हैं। पेट भरना मानव धर्म नहीं, पशु धर्म है। पशु धर्म है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, बच्चों को संस्कारित बनाएं, प्रभु भक्ति के संस्कार जरूर दें। अभी मैं लुधियाना से कथा करके लौट रहा था, पिछले वर्ष की बात है, ट्रेन से हम लोग आ रहे थे, जहां हम थे पास वाली सीट पर ही एक बुजुर्ग बैठे थे, पास में आकर के बैठ गए, बातें चालू हो गई। पूछ लिया मैंने, उन्होंने भी पूछा आप क्या करते हैं पंडित जी, मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, उनसे भी पूछ लिया कैसे क्या कितने बेटे। बताने लगे, महाराज जी मेरे 3 बेटे हैं। बोले पहले बेटे को मैंने अच्छी पढ़ाई कराई, पढ़ाया लिखाया, और आजकल वो USA है, डॉक्टर है। दूसरा बेटा वो भी मेरा विदेश है महाराज जी, वो साइंटिस्ट है। लेकिन जो तीसरा बेटा है महाराज जी, वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने उसे 10वीं तक ही पढ़ाया, कोशिश करी 10वीं तक ही पढ़ा, और दोनों बेटे इतने नालायक हैं,
आज तक मेरी फोन से भी राजी खुशी नहीं लेते। कई कई साल उनसे बात करने को तरस जाता हूं। मेरे वो दो बेटे नहीं, रो पड़े, अब तो केवल मेरा वो एक ही बेटा है, तीन नहीं, अब तो वो केवल एक ही बेटा है। वही हम बुड्ढे और बुढ़िया की देख रेख करता है, दोनों की सेवा करता है। जब हम खाना खाते उसके बाद में खाना खाता है, घंटों तक पैर सेवा करता है, पैर दबाता है, उसके बाद में सोता है। वो दोनों कपूत मेरे बेटे नहीं, मेरा तो वो सपूत एक बेटा है। यही संसार का दस्तूर है। आपको भले ही मेरी बात गलत लग जाए तो उसे लौटा देना। अगर शिक्षा में प्रभु भक्ति के संस्कार नहीं होंगे तो एक दिन वो शिक्षा भी हमारा ही नाश करने वाली है। इसलिए पढ़ाओ, पढ़ाई के साथ साथ प्रभु भक्ति के संस्कार भी परमावश्यक।